हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी किया और कमेंट करके भी पूछा था ये बात कि सर रिलेशनशिप क्रिएट कैसे होगी, दिक्कत आ रही है। हालांकि कई वीडियोस पड़ी हुई हैं लेकिन इनको और भी दिक्कतें हैं, आइए समझते हैं कैसे होगा। तो 2016 ओपन किया है मैंने और यहाँ से आपको क्रिएट पे जाना है। ये क्रिएट दिख रहा है, यहाँ पे आप जा सकते हैं अगर टेबल बनाना है तो, ठीक है। और फिर यहाँ पे टेबल पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए दो टेबल्स आ चुकी हैं, लेकिन अभी दोनों ही टेबल में डिजाइन हमने नहीं किया। तो यहाँ पहले टेबल पे आते हैं, इसको डिजाइन व्यू पे लेते हैं। तो ये डिजाइन व्यू पे लिया हमने, ये टेबल वन है, ठीक है। अब इसे मैं कह देता हूँ प्रोडक्ट टी, ठीक है। क्या कर देता हूँ प्रोडक्ट टी, तो ये लिख दिया मैंने प्रोडक्ट टी, यानी प्रोडक्ट की टेबल, ठीक है। सबसे पहली टेबल यही हमने बना ली, प्रोडक्ट टेबल। अब यहाँ आईडी आ रही है तो हम इसको आईडी रहने देते हैं और ये है प्राइमरी की, प्राइमरी की यानी कि यूनिक की होती है और ये मैच नहीं करेगी एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी की, इसे हमने प्राइमरी की बना दिया। और यहाँ पे कर देता हूँ नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, डेटा टाइप चूज करना है। तो प्रोडक्ट का नेम अगर होगा तो आप चाहे तो ड्रॉपडाउन भी बना सकते हैं यहाँ से जाके, लेकिन फिलहाल ऐसे ही रखता हूँ। यहाँ से आप ड्रॉपडाउन भी क्रिएट कर सकते हैं लुकअप विजर्ड पे जाके, लेकिन अभी छोड़ते हैं इसको, यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम तो हो गया, लेकिन प्रोडक्ट के प्राइस की बात कर लेते हैं। आप चाहे तो डेट भी दे सकते हैं, फिलहाल मैं अभी डेट नहीं दे रहा, अभी इसको ऐसे ही रखता हूँ। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये जो दिया हुआ है ना, ये शॉर्ट टेक्स्ट है, ठीक है। तो अभी हमें इसे करेंसी कर देना होगा। तो यहाँ देखिए करेंसी डेटा टाइप है, कोई करेंसी ये रहा, तो ये करेंसी डेटा टाइप हो गया। और यहाँ पे यूनिट कर देता हूँ, तो यूनिट जैसे एक खरीदेंगे, दो खरीदेंगे, पांच खरीदेंगे, दस खरीदेंगे, ये सारी चीजें यूनिट कहलाती हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर कस्टमर आईडी भी दे सकते हैं, लेकिन अभी हमको कस्टमर आईडी जो बनाना है उसे प्राइमरी की नहीं बनाना है, इसके वजह से मैं यहाँ कस्टमर आईडी ना दे करके सिर्फ आईडी ही दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये यूनिट जो है इसे हम नंबर डेटा टाइप रखेंगे, क्योंकि अगर नंबर नहीं रखते हैं तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत होगा। तो ये हमने नंबर रख दिया और फिर यहाँ पर टोटल कर देते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2016 है, तो यहाँ पर कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिल जाता है आपको। यहाँ पे देखिएगा ये कैलकुलेटेड आ रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्टली कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं तो आपको क्रिएट पे जाके क्वेरी डिजाइन में जाके फिर क्वेरी बनानी पड़ती तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और यहाँ लिखिए प्राइस, ठीक है, और इनटू यूनिट। तो प्राइस इनटू यूनिट इज इक्वल टू टोटल हो ही जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा काम, ठीक है, आधा काम तो हो गया हमारा। अब यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको प्राइस और ये टोटल वगैरह ये सब दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पे लिखिए तो टोटल अपने आप नजर आएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए नेम ऑफ प्रोडक्ट में कीबोर्ड लिख दिया मैंने, है ना, ये लिख दिया मैंने कीबोर्ड। अब यहाँ पे कीबोर्ड की प्राइस है 200 रुपये, तो ये 200 रुपये डाल दिया। अब ये डॉलर में आ रहा है, इसको आप बाद में चल के चेंज भी कर सकते हैं। 6 कीबोर्ड परचेस किया तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट अपने आप आ रही है, देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पर वैल्यूज रिपीट नहीं होगी, ये जो आईडी है ये वैल्यू रिपीट नहीं होने वाली है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ माउस MOUSE, तो ये माउस हो गया, माउस 200 रुपये का एक है ना, ये हो गया। और 50 माउस परचेस कर किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ गई इसकी, यहाँ पे देख सकते हैं। ये बहुत इजी है, यहाँ तक तो आई होप की समझ में आ गई होगी बात। अब यहाँ पे टेबल टू पे आते हैं, ये जो टेबल टू है इसको भी हमें लेना है डिजाइन व्यू पे, ठीक है। और डिजाइन व्यू पे लेने के बाद करना क्या है, हमें डिजाइन व्यू पे ले लिया इसको। अब यहाँ पर पहले प्रोडक्ट का टेबल एक बार और हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें कस्टमर आईडी हमने दिया नहीं है, तो अभी कस्टमर आईडी देने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे या इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टमर आईडी आप चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। ये दे दिया मैंने कस्टमर आईडी, और ये कस्टमर आईडी सेम रहेगी जो कि आपके टेबल टू में रहेगी, यानी टेबल टू आपका मेन कस्टमर वाला टेबल है, इसको हम रिलेशनशिप क्रिएट कराएंगे इस वाले यानी प्रोडक्ट वाले टेबल से, ठीक है। अभी टेबल टू हमने डिजाइन नहीं किया है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर डेटा टाइप सेम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये कस्टमर आईडी है, अगर मैं इसको शॉर्ट टेक्स्ट रखता हूँ या कुछ और रख देता हूँ तो हमें भी वहां पर यानी टेबल टू में भी वही डेटा टाइप लेना होगा। तो चलिए शॉर्ट टेक्स्ट ही रख देते हैं और यहाँ पर इसको ओके कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ पे कस्टमर आईडी भी आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ A01, पहले जो कस्टमर है A01 कर दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पर भी A01 करता हूँ, यानी कि ये सेम कस्टमर है
जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, ठीक है। तो A01 यहां पर भी कर देता हूं। अब ये तो रही आपके प्रोडक्ट के टेबल की डिटेल, जिसको जिसमें एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए, तो मैंने कॉमन दे दिया है। अब ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट टेक्स्ट रखा है हमने इस फील्ड में डेटा टाइप। अब हम आते हैं अपने टेबल टू पर, अब इसको डिजाइन कर लेते हैं एक बार। ये आईडी आ रही है, ठीक है, यहां पर मैं डायरेक्टली करता हूं कस्टमर आईडी, क्या करता हूं कस्टमर आईडी। तो ये कस्टमर आईडी हो गया, और यहां पर ध्यान ये रखना है कि आपको शॉर्ट टेक्स्ट ही रखना है, क्योंकि वहां पर आपने शॉर्ट टेक्स्ट ही रखा हुआ है। चलिए अब यहां पर आते हैं, तो यहां पे नेम ऑफ कस्टमर कर देते हैं, नेम ऑफ कस्टमर ये कर दिया हमने। और फिर यहां पर आइए, ये देखिए ये नेम ऑफ कस्टमर तो शॉर्ट टेक्स्ट ही रहेगा। अब यहां पर आएंगे, अगर 2007 यूज करते हैं तो टेक्स्ट डेटा टाइप आपको मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके सिटी का अगर आप इसमें देना चाहते हैं तो यहाँ पे सिटी भी कर सकते हैं, है ना, स्टेट भी कर सकते हैं, अगर फोन नंबर देना चाहे तो फोन नंबर भी दे सकते हैं। फिलहाल अभी इतना रखता हूं मैं। और अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इस पे क्लिक करना है, ये क्लिक कर दिया। आप चाहे तो परचेजिंग डेट भी दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे डेट लिख देता हूँ, डेट किस डेट पे सामान परचेज हो रहा है वो डेट यहाँ पे आएगी। तो इसको डेट एंड टाइम डेटा टाइप आप रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जाइए और डेट एंड टाइम डेटा टाइप चूज कर लीजिए, बस हो गया काम आपका। यहाँ से क्लिक कीजिए और यहाँ से यस कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका। यहाँ पर कस्टमर आईडी आ रही है, तो ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट टी में जो कस्टमर आईडी दी गई है यही आपको इसमें भी फिर करना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये हो गया, अब यहां पर चल करके और अब इसको ओपन करते हैं और यहां पर A01 डालते हैं, है ना, A01 ये डाल दिया हमने। और नेम ऑफ कस्टमर, A01 जिनकी कस्टमर आईडी है उस कस्टमर का नाम क्या है, जैसे मान लीजिए लिख दिया मैंने राम, आर्यन राम लिख दिया। सिटी क्या है, सिटी मान लीजिए हम अपना लिखेंगे देवरिया है, तो देवरिया हो गया। फिर स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश है। और फिर यहाँ पे डेट, तो जो भी डेट है वो डेट आप डाल दीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे मान लीजिए 1 अक्टूबर की डेट थी तो 1 अक्टूबर कर दीजिए, है ना। तो अभी तो केवल एक ही कस्टमर की बात है, ठीक है, अगर कोई दूसरा कस्टमर है तो यहाँ A02 भी कर सकते हैं आप, समझ में आ रही है बात। और यहाँ पे कर देता हूँ रमेश कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे सपोज कीजिए कर देता हूँ गोरखपुर, ये हो गया। और यहाँ पे यूपी ही रहेगा, और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 तारीख, तो यहाँ पे 3 तारीख हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया, अब इस टेबल का नाम हमको चेंज करना है, तो यहाँ से आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, रीनेम पे चले जाएंगे तो नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन पहले इसको सेव कर लेते हैं जो हमने बनाया है। इसको सेव कर लिया, सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं, इसको क्लोज करने के बाद ये जो है इसको क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे आइए और अब टेबल का नाम चेंज कर लीजिए, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कस्टमर टी, इस टेबल का नाम क्या दे देता हूँ कस्टमर टी, तो ये लिख दिया मैंने कस्टमर टी, क्लियर है। तो ये एक प्रोडक्ट टी हो गया, दूसरा कस्टमर टी हो गया। अब देखिए केवल 2 ही टेबल लिया है मैंने, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होती है ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ डेटाबेस टूल्स पे जा सकते हैं आप, यहाँ पे जाइएगा रिलेशनशिप आपको नजर आएगी, ये दिख रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये दोनों टेबल्स नजर आएंगी, ठीक है। तो कस्टमर टी और प्रोडक्ट टी दोनों ले लीजिए आप कुछ इस तरीके से, आगे बात समझ में। दोनों लेने के बाद क्या करना है कि देखिए ये जो कस्टमर आईडी है ये प्राइमरी की है ना, और यहाँ पे ये जो कस्टमर आईडी है ये जो है प्राइमरी की नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहां से अगर आप इसको यहां पे लाके रखेंगे तो ये इस तरीके से विंडो आएगी। अब यहां पे इस पर टिक कर दीजिए, इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, फिर कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, और फिर कास्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स, इन सब पर टिक कर दीजिए। और यहां पे देखेंगे नीचे दिखाई पड़ रहा है 1-to-many रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है कस्टमर आईडी टू कस्टमर आईडी। तो यहां पे देखिए ये 1-to-many है, ये मेनी का सिंबल है, तो ये 1-to-many रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। अब ऐसे 10 टेबल हो, 20 टेबल हो, आप कितने का भी रिलेशनशिप क्रिएट करा सकते हैं, ये बहुत आसान है। अब इसका फायदा क्या होगा, जैसे आप प्रोडक्ट वाली टेबल पे जाते हैं तो यहां पे देखिए ये प्रोडक्ट वाली टेबल है आपकी, ठीक है, और ये कस्टमर वाली टेबल है। तो देखिए कस्टमर वाली टेबल पे गए तो यहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है ना। तो अब जैसे ही आपको इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि कस्टमर आईडी ये A01 जिनका है उन्होंने कीबोर्ड परचेस किया है, ठीक है, कितने का परचेस किया है पूरा डिटेल यहाँ पे आपको शो करेगा, कब परचेस किया है ये भी शो करेगा।
तो ये बहुत आसान है, आप एक दो नहीं 10 टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कराइए, 50 टेबल के बीच में क्रिएट कराइए, लेकिन चीजों को ध्यान रखिए। आई होप की बात क्लियर हो गई हो।